उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डीजी एनआईए श्री शरद कुमार, डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री जुल्फान सिंह, चेयरमैन एनबीसीसी श्री अनिप अनूप कुमार मित्तल और गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री अरविंद कुमार और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारी वर्ग एवं अन्य देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो इस एनआईए ऑफिस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर एनआईए इस ऑर्गेनाइजेशन सहित आप सभी को मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शायद आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि एनआईए 2009 में एग्जिस्टेंस में आई है और तब से लगातार बहुत ही प्रभावी तरीके से एनआईए अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। 2009 से अस्तित्व में आने के बावजूद कार्यालय तो सभी जगह जहां जहां चलने चाहिए कार्यालय चल रहे हैं, लेकिन अपना कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अपना यानी एनआईए का अथवा कोई ऑफिस अपनी नहीं है। शायद यह भारतवर्ष की पहली यह ऑफिस है, पहला यह रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो कि एनआईए का है, पहला है जो कि लखनऊ में जिसका कि आज लोकार्पण हो रहा है। और कैसा शुभ लक्षण है इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑफिस के लोकार्पण के समय का, पहला ऑफिस और पहला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एनआईए का उद्घाटन हो रहा हो और उस कार्यक्रम में योगी मौजूद हो कोई है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई शुभ लक्षण कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की इस कार्यक्रम में आने के लिए। यहां तक इस एनआईए की लखनऊ ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन का प्रश्न है। डीजी एनआईए ने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार ये क्षेत्र है। वैसे देखा जाए तो आतंकवाद की दृष्टि से यह शांत ही क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र इसको नहीं कहा जाएगा। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है कि एनआईए लगभग ऐसे 20 मामलों की इन्वेस्टिगेशन इस समय कर रही है और सारे देश में भी देखा जाए तो हमारे डीजी एनआईए ने बताया है कि 165 ऐसे मामले हैं जिनकी कि एनआईए जांच कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए जिस साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, कन्विक्शन रेट अप्रॉक्सिमेटली 95% है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जिसका कि कन्विक्शन रेट अप्रॉक्सिमेटली 95% हो। एनआईए पहली एजेंसी है और मैं कह सकता हूं यह भी कि 2009 से लेकर अब तक एक क्रेडिबल एजेंसी के रूप में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में एनआईए ने अपने को स्थापित करने में यह कामयाबी हासिल की है। और यहां पर एनआईए की ऑफिस होने के कारण और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होने के कारण स्वाभाविक रूप से एनआईए की फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आवश्यक होता है। यदि हम कोई क्वालिटेटिव चेंज यदि लाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और यह जो यहां पर कॉम्प्लेक्स बना है, मैं उसके लिए यहां पर डीजी एनआईए और उनके सारे अधिकारियों को बधाई देता हूं। वहीं पर विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं जिसके लिए एनबीसी के चेयरमैन श्री अनूप कुमार मित्तल को। और मैंने देखा है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी
बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको खड़ा करने में एनबीसीसी ने अपनी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, बहुत ही अब बहुत खूबसूरती के साथ बखूबी उसका निर्वाह किया है और समय सीमा के अंदर ही अपने काम को पूरा किया है। मुझे याद है कि आज जिस ऑफिस और जिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का हम यहां पर लोकार्पण कर रहे हैं, इसका शिलान्यास दिसंबर 2015 में हुआ था और उस समय ही मैंने ये अपनी तरफ से अपेक्षा व्यक्त की थी कि मुझे उम्मीद है कि 2017 के उत्तरार्ध में एनबीसीसी इस काम को पूरा कर देगी। मुझे बेहद खुशी है कि निर्धारित समय के अंदर ही एनबीसीसी ने इतना बड़ा यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। एनबीसीसी को भी मैं विशेष रूप से, इनके चेयरमैन श्री अदीप कुमार मित्तल को भी मैं बधाई देता हूं। एनआईए की फंक्शनिंग से पहले हो सकता है कुछ लोग न परिचित रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सारा हिंदुस्तान परिचित है। टेरर फंडिंग में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, एनआईए का नाम लेते ही उनके दिल में दहशत पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा हाल में ही जम्मू कश्मीर ने जिस प्रकार की भूमिका एनआईए ने निभाई है, स्टोन पेल्टिंग की जो वहां पर घटनाएं बड़ी तादाद में होती थी उनमें भी भारी कमी आई है। यह ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और इसीलिए बहुत ही प्रभावी तरीके से यह एनआईए अपनी भूमिका निभा रही है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने भी संकल्प ले रखा है कि भारत की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है उसके लिए जितना कठोरता के साथ कदम उठाना चाहिए वो उतनी कठोरता के साथ हम लोग कदम उठाएंगे, लेकिन इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और स्वीकार किया है हम लोगों ने। चाहे वो नक्सलवाद का संकट हो, आतंकवाद का संकट हो, उग्रवाद का संकट हो, इन सारे संगठनों पर हम विजय प्राप्त करने की दिशा में बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इसी मंच से यह भी आप सबको जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद से प्रभावित यह क्षेत्र रहा है, लेकिन 3 वर्षों के अंदर ही जैसी प्रोग्रेस हुई है, मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद में 75% की कमी आई है। वहीं पर नक्सलवाद में भी अप्रॉक्सिमेटली 40% लगभग 40% की कमी आई है और जितने नक्सलवादी हैं उनके अंदर भी एक डिफरेंशन पैदा हुआ है। चाहे आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो अथवा नक्सलवाद हो, इसमें फेक करेंसी भी बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है इनकी गतिविधियों को बढ़ाने में। लेकिन एनआईए इसमें भी अपनी बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही है। टेरर फंडिंग कहां से होती है, फेक करेंसी कहां से आती है, इसकी भी कई मामले ऐसे हैं जिसकी कि वह जांच कर रही है। और टेरर फंडिंग के जो सोर्स है, यदि उस सोर्स को ही कुंद कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तो समाप्त कर दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उस काम को बहुत ही प्रभावी तरीके से एनआईए कर रहा है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही शुभ अवसर है और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने की अपनी सहमति दी है, इसके लिए उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे यहां के स्थानीय अधिकारियों ने भी जो सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा की है एनआईए के अधिकारियों के साथ यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसी, जिनकी एक 6 महीने के अंदर कोई एक सिटिंग हो जाए, तो मैं समझता हूं कि यह लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह एनआईए बराबर उसको करता रहता है, चाहे किसी भी स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी हो अथवा सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के बिना कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर ही
एनआईए अपना काम करती है। मैं पुनः एनआईए के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ एनबीसीसी के चेयरमैन और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। हार्दिक आभार।